इंदौर एरोड्रम थाना पुलिस ने बैंक कैशियर महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय हर्षा पत्नी महेश गुर्जर निवासी कन्याकुंज नगर ने बताया कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देपालपुर में कैशियर है। शनिवार शाम करीब 7 बजे बैंक की साथी महिला की कार से एरोड्रम रोड पर उतरी थी, वहां से पैदल घर जा रही थी। कॉलोनी के सोंटू मोंटू स्कूल के पास पहुंचते ही पीछे से बाइक सवार एक बदमाश आया और कंधे पर टंगा बैग छीनकर भाग गया। बैग में बैंक की तिजोरी की चाबियां और एटीएम रखे थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सर, वरिष्ठ अधिकारी निर्देश पर स्थायी वारंटी तामील अभियान चलाया जा रहा है। सर, एरोड्रम थाना क्षेत्र की बात करें, आपसे कितने स्थायी वारंटी की तामीली हो चुकी है, कितने एचएस और गुंडा फाइल खुली हुई है सर? थाना एरोड्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें निर्देशों में वाहन बरामदगी, स्थायी वारंटी तामेली और पुलिस मुख्यालय भोपाल से जिनके अपहरण के प्रकरण पंजीबद्ध है उनमें दस्तयाबी के लिए कार्रवाई हेतु बोला गया था। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा 2 गुंडा फाइल, 1 निगरानी फाइल तथा 7 स्थायी वारंट तामील किए गए तथा 5 युवा व्यक्ति बालक बालिकाएं दस्तयाब की गई है, जो 2015 से 15 की 1, 17 की 2, 18 की 1 और 19 में 1, इस प्रकार हमारे द्वारा अभी पूर्व 5 बालिकाएं दस्तयाबी की गई है तथा वर्तमान में आईजी महोदय द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वाहनों की दस्तयाबी का जो चलाया गया अभियान, इसमें भी हमारे द्वारा इस महीने में 5 वाहन बरामद किए गए जो चोरी थाना क्षेत्र से ही चोरी गए थे और थाने में प्रकरण पंजीबद्ध थे। सर, जो अपहरण वाली आपने बात बताई है सर, उसमें बच्चे कहां-कहां से मिले हैं जिनको आपने दिया था? ये हमारे द्वारा जो बच्चे बरामद किए गए हैं, इसमें 1 देवास से, 1 कोटा राजस्थान से, 1 झाबुआ अलीराजपुर से, 1 खंडवा से और 1 महाराष्ट्र से। इस प्रकार 5 बालक बालिका बरामद की गई है, जिन जो अन्य 5 जगहों से बरामद की गई। इन्हें जो कोई ले गया था या किस तरह की घटना सामने की, इनमें आरोपियों को पकड़ा है? नहीं, इन 5 प्रकरण में कोई किसी भी के साथ भी कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया। इसमें 3 बच्चियां ऐसी थी जो घर से नाराज होकर चली गई थी और बाद में 18 वर्ष, 1 बालिका ने 18 वर्ष में तथा 2 बालिकाओं ने 19 वर्ष की आयु में शादी कर ली थी। 2 बच्चियों जो बरामद हुई है उनके द्वारा, वो भी नाराज होके एक अपनी मौसी के घर रह रही थी और 1 अपने बुआ के घर रहना पाया गया। इस प्रकार किसी के साथ भी कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।